बिहार में बालू की समस्या एवं अन्य समस्याओं के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया गया। इसी के अंतर्गत आज बक्सर जिला के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भी बक्सर में विभिन्न चौक चौराहों को जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष शेषनाथ सिंह ने किया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा NH-84 चौसा मार्ग सहित इटाड़ी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। यहाँ तक कि सभी जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं रास्ते को जाम करने से लंबी तादाद में वाहनों का काफिला लगा रहा और लोग परेशान होते गए। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि नीतीश कुमार द्वारा बिहार में तानाशाही किया जा रहा है और बालू पर बेवजह बखेड़ा खड़ा कर और उनके द्वारा मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के वक्ताओं ने कहा कि अगर नीतीश कुमार अपने इस तानाशाही रवैये को नहीं छोड़ते हैं तो उनके द्वारा अनवरत आंदोलन जारी रखा जाएगा। बिहार के गरीब लोगों की तबाही बहुत मुश्किल में लोग पड़ा हुआ है। वर्तमान की सरकार जिस तरह से बालू गिट्टी बंद कर दिया और गरीब हाथ पर हाथ रख कर के बैठा हुआ है, चाहे मजदूर हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है। आज उसकी स्थिति वैसी होने जा रही है कि घर में खाना तो नहीं बन रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। वो जो कमाते थे अपने बच्चों की फीस देते थे और वो बच्चा आज घर बैठा हुआ है। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि सरकार में एक गरीबों का गांव है, गरीबों का देश है, जहां 80% लोग गरीब हैं, हैंड टू माउथ हैं, रोजी रोटी करने वाले कमाने खाने वाले लोग हैं और ये सारे कमाने खाने वाले लोग लाखों करोड़ों लोग आज हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। इसी के चलते आदरणीय लालू प्रसाद जी ने घोषणा किया है कि आपको रोड जाम करना है। हालांकि उन्होंने आज फ्रंट पृष्ठ पर आया है बालू पूर्व की भांति मिलेगा, लेकिन ये 3 महीना से जो रोक के रखा उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये धरना प्रदर्शन आगे कहां तक जारी रख सकते हैं आप? नहीं, जारी तो अभी है, जारी रहेगा, लेकिन अब ये फिर अगला कोई कार्यक्रम क्या है वो फिर हमारी प्रदेश की जो टीम है, जो प्रदेश की का जो नेतृत्व है वो तय करेगा, उसके हिसाब से हम लोग जिला में काम करेंगे। कहीं ना कहीं मजदूरों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? बिल्कुल, केवल मजदूरों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, यही नहीं, नोटबंदी से लेकर के और GST तक हम लोग लड़ाई को मुस्तैदी से लालू प्रसाद ने लड़ा है। बिहार में नहीं, इस देश में किसी लीडर ने इस काम को नहीं किया जो काम लालू प्रसाद जी ने किया है। हमारा परिचय हुआ शेषनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष। बालू बंद है, हम लोग का कोई रोजगार नहीं है कि क्या कमाए क्या खाए, इसी पर है। आज खुलेगा कल खुलेगा, ऐसे ऐसे करके 6 महीना हो गया हम लोग का बाल बच्चा भूखे मर रहा है। आई ना नीतीश कुमार को अच्छा कोई किसी को नेता को नहीं बुझा रहा है कि हम लोग कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, सब कोई अपने में बजा हुआ है। अभी कैसे तो लोग रोजी रोटी चलाता है, क्या करते रहे? अब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं और क्या करेंगे। दूसरा का बाल बच्चा तो ऐसे ही भूखे मर रहा है, क्या करेंगे। बालू गिटे हम लोग इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि चलो भाई यहाँ से पढ़ लिख कर ये कुछ भी काम कर लेंगे। हम लोग मजदूर आदमी है, यहाँ पर जाएंगे तो मजदूरी खाली करेंगे, तो मजदूरी का बालू जब नहीं रहेगा तो मजदूरी क्या मिलेगा? बच्चन के पढ़ाई सब चीज ऐसे ही भूखे मर रहे हैं। सरकार के लिए आप लोग चुनौती बन चुकी है, सरकार के लिए आंदोलन आप लोग चालू कर? हम लोग जितना जल्दी चाहते हैं कि जितना जल्दी खुले कि हम लोग का बाल बच्चा सुखी रहे, पढ़े लिखे, सब चीज़ अच्छा से हो। कहीं ना कहीं दिल्ली बॉम्बे की जाए के मन बनावत रह जाए, बना रहे, लेकिन पारिवारिक है तो हम कहाँ से जाएंगे जी। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, बालू चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ गद्दी छोड़, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ होश में आओ होश में आओ।
से नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ बनाए हैं। इन्होंने बिहार में जो बालू और गिट्टी का खनन होता है, व्यापार होता है, उसको बंद करने का काम किया है, जिसके चलते कि बिहार में जो गरीब मजदूर और राजमिस्त्री लोग हैं वो भूखमरी के शिकार हो गए हैं। 5 महीना इंतजार करने के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी अपने हिटलर शाही रवैया पर अड़े थे। तब माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के नेता है, उन्होंने आज बिहार बंद करने का ऐलान किया कि हम मजदूर और गरीब को मरने नहीं देंगे। आज उसी के लिए बिहार को बंद किया गया है। नीतीश कुमार जी का जो मानसिकता है वो गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, व्यवसाय विरोधी है, उसी लिए आज हम लोग बंद किए हुए हैं। उस गरीब का बेटा जो स्कूल में पढ़ता है, आज ठंड का मौसम आ गया है, नीतीश कुमार जी तो जैकेट पर जैकेट और सफारी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन जो मजदूर रोड पर पैदल चलता है और उसका बेटा का आज स्वेटर तक नहीं खरीदा रहा है, उसका बेटा दवाई के इलाज के बिना मर गया, वो भुखमरी का शिकार है। आप लोग पता कीजिए कि शाम को सुबह उसका घर में खाना नहीं बन रहा है। वो लोग मजदूरी करके जो अपना भोजन और चलाता था, अपना पेट पालता था, उसका आज मजदूरी बंद है। उसी के लिए आज हम लोग बक्सर में चक्का जाम किए हैं। और नीतीश कुमार जी आज के बाद भी नहीं चेते तो हम लोग इससे भी ज़्यादा आमरण अनशन पर बैठेंगे और पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत को भी हम लोग बंद करने का काम करेंगे। जी, आपका क्या परिचय? मेरा परिचय, मैं जुआ राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष हूँ, बबलू यादव नाम हुआ मेरा। Nitish Kumar, Mordava.